हेलो दोस्तों, सक्सेस माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। आप सभी को पता है कि आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और अगर आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ में कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपके साथ आज आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम आर्थिक सर्वेक्षण का पहला चैप्टर आर्थिक स्थिति एक समीक्षा पढ़ते हैं। जो पहला चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस चैप्टर सारे चैप्टर्स में जो भी इम्पोर्टेंट डेटाज हैं उनको पहले चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया है। तो चलिए, पहला चैप्टर आप कुछ पढ़े ना पढ़े, आपको एटलीस्ट पहला चैप्टर तो पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला चैप्टर पढ़ते हैं। पहला चैप्टर आर्थिक सर्वेक्षण का पहला चैप्टर है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में पहले हम भारत के बारे में पढ़ते हैं। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास की बात करें तो 2021-22 में आर्थिक विकास का जो दर था वो 8.7% था, और 2022-23 में ये 7% अनुमानित है। भारत जनांकी में सबसे युवा देश है। इसकी जो 65% आबादी है वो युवा आबादी है। अब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो एक शांतिप्रिय राज्य है, वन बहुल्य है, खनिज संपदा से विपुल है, और जो देश का 4.1% भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका जो 4.1% एरिया है वो छत्तीसगढ़ में आता है। मतलब कि ये है कि जो ओवरऑल देश का भौगोलिक क्षेत्र है उसका 4.1% छत्तीसगढ़ में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन में कुल 107,51,000 मेट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी का रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये क्योंकि ये रिकॉर्ड बना है, इसीलिए ये एग्ज़ाम में आने के लिए इसकी संभावना ज़्यादा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कितना मेट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया है? 107,51,000 मेट्रिक टन। अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट पे लिख दूँ तो 107,51,000 मेट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी का रिकॉर्ड बनाया गया है। जो भगवान श्री राम थे उनका जो नैनीहाल है वो छत्तीसगढ़ राज्य है, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य में राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट का विकास हो रहा है। राज्य का जो कार्य सहभागिता अनुपात है वो 47.68% है। कार्य सहभागिता मतलब वर्किंग पार्टिसिपेशन रेशियो कितना है? 47.68% है। छत्तीसगढ़ राज्य न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में से एक है, तो ये भी आपको एक याद रखने वाली बात है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी विकास हुआ है, इसकी जो मातृ मृत्यु दर है जिसे हम मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं, और जिसकी गिनती 1,00,000 प्रति जीवित जन्मों पर होती है। तो अगर हम MMR की बात करें तो उसकी गिनती कितने में होती है? 1,00,000 प्रति जीवित जन्मों पर। 2001 में जब राज्य का निर्माण हुआ था तो ये कितना था? 379 था। लेकिन 2018-20 में जब SRS का रिपोर्ट आया तभी कितना डिक्रीज़ हो गया था? 137 डिक्रीज़ हो गया था। तो मातृ मृत्यु दर क्या होता है? मातृ मृत्यु दर मतलब ये होता है कि 1,00,000 प्रति जन्म में कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के समय। तो ये जो दर है ये हमारे हेल्थ फैसिलिटी को शो करता है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है तो डिलीवरी के समय, प्रसव के समय माताएं सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस होता है उस समय उनको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है तो इस समय जो माताओं का मृत्यु दर है वो बढ़ जाता है। तो इसमें काफ़ी गिरावट देखा गया है। ये कितना था पहले? 379 था, उसमें अब हो गया है 137। तो प्रेजेंट मातृ मृत्यु दर कितनी है ये याद रखना है, 137। इसी तरह जो शिशु मृत्यु दर है जिसे हम
जिसे हम नियोनेटल मोर्टैलिटी रेट भी कहते हैं। इसकी गिनती कैसे होती है? प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर होती है। प्रति 1,000 जीवित जन्मों में जितने बच्चों की मृत्यु होती है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो राज्य निर्माण के समय ये 77 था और अभी 2022 में ये डिक्रीज होके कितना हो गया है? 38 हो गया है। इसका रीज़न क्या है? कि क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से जो संस्थागत प्रसव है उनकी जो गिनती है वो बढ़ गए हैं, और जो कुपोषण था उसमें भी गिरावट आया है। इसकी वजह से जो शिशु मृत्यु दर है वो 77 से डिक्रीज होके कितना हो गया है? 38। तो प्रेजेंट शिशु मृत्यु दर कितनी है ये भी याद रखना है आपको, ये है 338। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये कहा गया है कि वर्ष 2030 तक हमें राज्य के लिए शिशु मृत्यु दर का जो लक्ष्य रखा गया है उसे 15 किया गया है। मतलब 2030 तक ये जो डेटा है इसे हमें डिक्रीज करके 15 तक लाना है, ये हमारा लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ जैविक राज्य बनने की पथ पर अग्रसर है। गौठानों के माध्यम से गोबर की खरीदी एवं इससे बनने वाले खाद्य से रासायनिक उर्वरकों को प्रतिस्थापित कर रहा है। इसमें कुछ खास है नहीं। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की दिशा में तीव्र गति से पहल की जा रही है। राज्य में कृषि उत्पादों को के साथ साथ उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में साल दर साल वृद्धि हो रही है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आता है वो है छत्तीसगढ़ भारत में मिलेट हब बन रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मिलेट हब बन रहा है। मोटे अनाजों एवं लघु अनाजों की पैदावार बढ़ाने से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, वहीं जन सामान्य को पूर्ण पोषण सुनिश्चित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जो 14 जिले हैं उन्हें मिलेट जिले के रूप में चिन्हांकित किया गया है। 14 जिलों को मिलेट जिलों के रूप में चिन्हांकित किया गया है। मिलेट कैफे के माध्यम से नवीन रोजगार और पोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी या हिंदी माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। ये था हमारा आर्थिक सर्वेक्षण चैप्टर 1 का पहला पार्ट, जिसमें हमने ब्रीफ डिस्क्राइब किया है। अब हम फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।